दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपने थंबनेल पे क्वेश्चन देखा है उसी तरह के हम उसी टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं, बेसिक थोड़ा बता दूं कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बहुत बेसिक है, मुझे पता है। यहाँ पर जितने ही बच्चे देख रहे हैं ये 90% बच्चों को क्वेश्चन आता होगा, बट 10% ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं आता होगा। तो मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, करते हैं इसको। 1/2 और 1/3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का वीडियो बना दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 6 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब बीच में जो साइन है यहाँ पर वही रखेंगे, इसको इससे हम भाग करते हैं, मतलब कि 2 को 6 से हम भाग करेंगे। 2 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3। जो हमारा 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब सेम जो मेथड हमने यहाँ अपनाया है इसके साथ भी यही करना है। तो 3 को 6 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। धीरे धीरे मैं लेवल अप करते रहूंगा। सेम यहीं पर इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 4, 4 का हम एलसीएम निकालने वाले। तो हम एलसीएम करते हैं सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से मैं एलसीएम निकालूँ, 2 × 2, ये 2 और 2 12 में कट गया, फिर 2 से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 से वो क्या हो गया, इसका 4 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है, 4 इसका एलसीएम हो गया। अब सिंबल कौन कौन से हैं, प्लस का है और एक प्लस का है यहाँ पर। सेम के साथ वही मेथड अपनाएंगे, 2 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2, और 4 को 4 से भाग करूंगा 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। सेम मेथड यहाँ पर, 4 को 4 से मैं डिवाइड, 1 आ गया, और 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो कितना आ गया, 3। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा सबको मैं, 3 और 3 = 6, तो इन आंसर कितना आ गया इसका, 6/4, 6/4, और ये वैल्यू कटेगी तो काट देंगे हम। इसका आंसर कितना आ गया, 3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ये तो हमारा प्लस वाला हो गया, अब बाय द वे माइनस में आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। तो माइनस में सेम, बस सिंबल चेंज करना है हमें। 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 7 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 3, माइनस 7 को 7 से भाग करें कितना आ गया, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। अब 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं इसी तरह का, फिर थोड़ा लेवल हाई करते हैं, अप करते हैं अपन। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। माइनस का सिंबल, 6 को 6 से भाग करूंगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 को 6 से भाग करूंगा 2 आ गया, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4। इनमें से इसको माइनस करूंगा तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम टाइप सेकंड देख रहे हैं। अब प्लस माइनस वाला आपको आ गया, अब बाय द वे गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले, आप जब भी गुणा का होता है तो सामने सामने हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, ठीक है, गुणा में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो ऊपर ऊपर, या तो मैं ऊपर नीचे या फिर टेढ़ा मेढ़ा तिरछा में काट सकता हूँ, ठीक है। तो 12 को मैं इससे काटूंगा, 3 बार में ये कट गया, और मैं 13 को 65 से काट दूंगा, तो 13 × 25 = 65 होता है, तो 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5/3 इसका राइट आंसर हो गया। अगला कैसा करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, तो ये करते हैं, या तो मैं आमने सामने गुणा कर सकता हूँ या फिर इसको तिरछे तिरछे काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सामने सामने गुणा करके बता दे रहा हूँ, ये हो गया 10, ये हो गया 4 × 3 = 12, ठीक है। इसको इससे काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऊपर नीचे काटना हो कट जाएगा, फिर कोई बात नहीं। इसको इससे काटूंगा 2 बार में तो 5/6 इसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है। टाइप 3 देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऊपर नीचे ऊपर ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 9 × 6 = 36 और 3 × 3 = 9, ठीक है। अभी भी क्या करेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 नीचे आ जाएगा और
और ये आ जाएगा 12, फिर से कटेगा 4 बार में, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। या ठीक है, 3 + 1/3 × 9/3 है, यहाँ पर एक नहीं, एक मैंने लगाया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो बोर्ड मास पे होगी तो उसको अच्छे से समझ लेना, बोर्ड मास को। तो करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 9 आ गया और 3 × 3 = 9। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ गया है, 9 को 9 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 4/1 इसका आंसर, मतलब कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट मैं इसको सोल्व करता हूँ एलसीएम के मेथड से, इसको इससे भाग करता हूँ, मतलब एलसीएम निकालता हूँ, तो कितना आ गया, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 को 1 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 9 और 9 × 3 = 27, 27 ऊपर आ जाएगा, प्लस का प्लस, 9 × 1 = 9 और ऊपर भी कितना आ जाएगा, 9, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 36/9 इसका आंसर आता है। ठीक है, इसको इससे काटूंगा तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें टाइप थर्ड देखते हैं। अब टाइप थर्ड हम देख रहे हैं, हमारा मल्टीप्लाई भी हमें आ गया, अब डिवाइड वाले क्वेश्चन देखते हैं कि अगर डिवाइड आ गया तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हमको एक रूल पता है कि जब भी हम यहाँ पर डिवाइड का हो तो हम इसको अगर वैल्यू पलटते हैं तो क्या होती है, यहाँ के सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 2/7 है, 2/7 यहाँ पर डिवाइड है, इसको अगर मल्टीप्लाई लिखो तो वैल्यू पलट जाती है, तो 5 ऊपर और 14 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कर सकते हैं हम, तो अब फिर हमारा ये ऐसे ऐसे हो गया, गुड़ा वाला हो गया। अब गुड़े के मेथड से कर लेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 10, नीचे क्या आ गया, 14/7 क्या होता है, 98। अब इसको हम 2 से काटते हैं तो कितना आ गया, 5/49। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दे रखा है 5/8 / 5 दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ 5 दे रखा है तो हम नीचे 1 मान सकते हैं, 5/1 हो गया, तो सेम इसी प्रकार 5/8 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, 5 से 5 काट दूंगा। ठीक है, 5 से 5 काट दूंगा, क्यों कर सकता है, मल्टीप्लाई है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी थोड़ा लेवल हाई कर दिया मैंने, इसमें सारे मिक्स कर दिए, डिवाइड भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, इसको कैसे करेंगे हम, तो सेम इसी प्रकार हम पहले इसमें भाग करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे फिर हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले डिवाइड है तो डिवाइड को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/4 का 3/4 यहाँ पर गया, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चल जाएगा और 1। ठीक है, सिर्फ यही वाला पलटेगा, सारी वैल्यू नहीं पलटेगी, प्लस मतलब कि ये वाली सिर्फ वैल्यू पलटेगी, प्लस 1/2 माइनस में 1/8। ठीक है, अब क्या करूँगा, गुड़ा को मैं सॉल्व कर लेना, गुड़ा वाले को, तो 3 × 2 = 6, 6/4 यहाँ आ गया, प्लस 1/2 और माइनस में 1/8, ये दोनों सोल्व हो गया, ये दोनों सोल्व करने पे 6/4 आ गया, चाहे तो मैं इसको काट भी सकता हूँ बट नहीं काटूंगा, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ आप। ठीक है, इसको एलसीएम निकालते हैं, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 को मैं 4 से भाग करूंगा, मतलब कि 4 को 8 से भाग करूंगा तो कितना आ गया, 2, 2 आ गया। अब 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 12, यहाँ क्या है, प्लस का प्लस साइन आ जाएगा, और 2 को 8 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 4, और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 4 का 4 आ जाएगा ऊपर, माइनस का सिंबल माइनस, 8 को 8 से भाग करूंगा 1, और 1 के ऊपर से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं जो प्लस का है प्लस, और माइनस को माइनस करते हैं। ठीक है, 12 × 4 = 16, 16 में से 1 गया 15, 15/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई में सिंबल में चेंज कर लेंगे, 1/2 + 1/5, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 10 ऊपर 1 नीचे, मल्टीप्लाई 7/8 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे कर सकता हूँ, काट भी सकता हूँ, इसको मैं इससे काट दूंगा 2 बार में। ठीक है, इसको इससे काट दूंगा 4 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 + 7/4। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो सेम इस प्रकार मैं इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 इसका एलसीएम आ गया, 4 को 2 से भाग करूंगा, मतलब 2 को 4 से भाग करूंगा, 2 आ गया, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, प्लस 4 को 4 से भाग करूंगा तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 आ गया, और 7 2 कितना हो गया, 9, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या करें, 16 डिवाइड बाई 8 बटे 5 प्लस में 5 माइनस में 5 दे रखा है, ठीक है। तो सेम इसको करते हैं, इसको करते हैं सोल्व। 16 है, नीचे मैं एक लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, 16 बटे में 1 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँगा। अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो 5 ऊपर 8 नीचे आएगा, प्लस का प्लस, 5 बटे 1 माइनस 5 बटे 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा इससे 2 बार में, ये कितना हो गया, 10 बटे 1 प्लस 5 बटे 1 माइनस में 5 बटे 1। अब हमेशा ध्यान रखो, अगर नीचे का ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, अगर आंसर में हर समान हो, मतलब क्वेश्चन में हर समान हो, तो हम ऊपर वाले को सीधे वैल्यू को जोड़कर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधे वाली में वैल्यू को जोड़ रहा हूँ, 10 5 15 और 15 में से 5 के, तो 10, ठीक है। तो 10 बटे में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हर समान हो तो ऊपर वाले को प्लस करके सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ होमवर्क के लिए, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, लिख लो आप कॉपी में इसको, और तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको पूरा मैथ्स बता दिया कैसे कैसे सॉल्व होगा। अगला जो वीडियो होगा वो बोर्ड मार्क्स के ऊपर होगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।